हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स में आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। दोस्तों, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। 13 से 19 मई का मैं वीकली हॉरोस्कोप लेकर आई हूँ। टैरो कार्ड्स आपको कुछ सजेस्ट करते हैं, आपको कुछ वार्निंग्स देते हैं और आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स में क्या आ रहा है। आपका फर्स्ट कार्ड निकलता है हेरिफेंट, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस, सारे आपके किंगली कार्ड्स निकल रहे हैं, द थर्ड कार्ड इज हर्मिट। दोस्तों, एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई टॉरस वृष राशि का व्यक्ति आ सकता है जो कि आपको हेल्प भी कर सकता है, और कोई आपकी लाइफ में मेष राशि, वृष राशि, मेष राशि और वर्गो कन्या राशि, ये तीन राशियों में से कोई भी एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ, टैरो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में ब्लूम, योर लाइफ इज़ गोइंग टू ब्लूम। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, या आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलने वाली है। बट उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी का नुकसान करके उस काम के लिए आप आगे बढ़ें। आपको जस्टिस, न्याय, न्यायपूर्ण कार्य करना है। आपको किसी का पक्ष लेकर काम नहीं करना है। और जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कमल पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता है, इसी तरीके से आपको अपने कार्यों को करना है। उसमें आप खुद का, आपका उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको टैरो कार्ड्स यही कह रहे हैं, कार्य कीजिए। चाहे तो आप अपने स्पाउस के साथ हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी का भी एक का पक्ष नहीं लेंगे, और जो भी आप काम करेंगे आप उसमें न्यायपूर्ण उस काम को जस्टिस ज़रूर करेंगे। ऐसे ना हो कि कोई एक को जस्टिस मिले और दूसरा जस्टिस के लिए पुकारता ही रह जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।